बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम एडिटिंग के ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में सीखेंगे। अब ये डेटा अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसका हम कैसे सॉर्ट करेंगे? सबसे पहले जिस डेटा को जिस कॉलम को सॉर्ट करना हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सॉर्ट ए टू जेड, यानी जो ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले आ जाएं जो वर्ड, इसी तरह बी से, जो बी से स्टार्ट होते हैं वो ए के बाद आ जाए। तो इसी तरह हम सॉर्ट ए टू जेड, अगर ए से जेड तक सेलेक्ट सॉर्ट करना चाहते हैं तो ए टू जेड सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक मैसेज आता है कि ये मुकम्मल सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए जो सेलेक्ट किया है वही डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपेंड द सेलेक्शन, कंटिन्यू विद करंट सेलेक्शन, नहीं एक्सपेंड द सेलेक्शन, ये करंट सेलेक्शन पे ये जो बाकी डेटा है ये सॉर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंड द सेलेक्शन से बाकी डेटा भी सॉर्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि सॉर्ट पे क्लिक करने से डेटा सॉर्ट हो जाएगा कि नहीं। अब सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसी तरह ए वाले अल्फाज पहले और बी वाले बाद में, डी जी एम ओ पी वगैरह। अब फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि जेड से सॉर्ट हो, तो सॉर्ट होने के लिए जेड टू ए सॉर्ट हो, तो सॉर्ट पे क्लिक करने से ये सबसे पहले पी ओ एम ये वाले आ जाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फाइंड एंड सेलेक्ट फाइंड करना चाहता हूँ, तो फाइंड पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेट को सेलेक्ट करना फाइंड करना चाहता हूँ कि ये अब कहाँ पर है, तो फाइंड आल पे क्लिक करने से आपको ये बताएगा यहाँ पे कि फ्रूट्स नेम, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट को नाम दिया था शीट नंबर वन पे, रो नंबर ए, सॉरी कॉलम नंबर ए और रो नंबर सेवन पे ये मौजूद है और वैल्यू इसकी है डेट। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब डेट को, जिस चीज़ को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पॉइंटर लाना होगा। अब यहाँ मैंने जो कि पॉइंटर डेट पे लाया है तो इसलिए यहाँ पे डेट आया है। फाइंड व्हाट, अब रिप्लेस विद, फॉर एग्जांपल मैं इसको मिलन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस आल, रिप्लेस, ये रिप्लेस पे क्लिक करने से यहाँ पे सिर्फ जो करंट पोजीशन है वो रिप्लेस हो जाएगा। जो करंट पोजीशन पॉइंटर की पोजीशन है वहाँ पे सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस आल करने से डेट जहाँ पर भी लिखा हो तो वहीं रिप्लेस आल करने से वहाँ मिलन आ जाएगा। आप देखें ज़रा यहाँ पे डेट की जगह मिलन आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि गूटू यानी कोई ख़ास जगह या किसी ख़ास वर्ड या किसी ख़ास चीज़ की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, तो गूटू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस देने के बाद ओके पे क्लिक करने के बाद वही डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचाएगा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूलाज, कमेंट्स, किसी ख़ास कमेंट्स पे जाना चाहते हो, कॉन्स्टेंट्स पे जाना चाहते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना चाहते हो, डेटा वायलेशन, तो आप जा सकते हैं। दोस्तों आज के सिलेक्शन में हमने ये सीखा कि हम डेटा को असेंडिंग यानी सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस सेलेक्ट उसको कैसे कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक्स वसलाम।